गोरखपुर फिल्म सोसाइटी और जन संस्कृति मंच द्वारा 2 दिवसीय 13वें गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोकुल भवन में रविवार को सकुशल समापन संपन्न हुआ। समानांतर सिनेमा के प्रमुख स्तंभ मृणाल सेन की याद और हाशिए के लोगों को समर्पित इस फेस्टिवल में 6 दस्तावेजी फिल्म, 2 फीचर फिल्म, 1 बाल फिल्म के अलावा म्यूजिक वीडियो तथा लघु कथा फिल्म दिखाई गई। इस दौरान गोरखपुर फिल्म सोसाइटी के संयोजक मनोज कुमार सिंह ने फेस्टिवल में शिरकत करने आए फिल्मकारों और आयोजन में सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया। संचालन फेस्टिवल संयोजक गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण अंकुर ने किया। फिल्म फेस्टिवल में पुस्तकों की प्रदर्शनी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। जन संस्कृति मंच के घुमंतु पुस्तक प्रदर्शनी के अलावा प्रेमचंद साहित्य संस्थान सावित्री बाई फूले पुस्तकालय ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर फिल्म सोसाइटी के संयोजक मनोज कुमार सिंह ने कहा, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी। वो वास्तव में बहुत अच्छा होता है, तो पॉलिटिकल हो गया था लगता है। पहला साल छोड़ने के बाद ये दूसरा तीसरा साल तो एकदम सरकार तो ये योजना करते हमको डरे मरे कि जमी कंपनी को देवा नीति सब करके एपट को छाड़ी तापर मु जी देखा जाऊ पुलिस उठे कि नहीं गला बाटर के ये 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल है गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल, और ये 13वां आयोजन है। 2006 से गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था प्रतिरोध का सिनेमा अभियान के अंतर्गत, और इसका मकसद ये है कि जो जनता के वास्तविक दुख दर्द और समस्याएं हैं और उनका जो संघर्ष है उस पर आधारित जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, फीचर फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, म्यूजिक वीडियोज हैं, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इसको हर वर्ष निरंतर आयोजित कर रहे हैं और ये 13वें आयोजन तक पहुंच गया है। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जब 2006 में पहला गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था, उसके बाद से इस तरह के फेस्टिवल जो पूरे देश में, पटना में, इलाहाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, कोलकाता, उदयपुर और तमाम जगहों पर, नैनीताल जैसे जगहों पर भी इस तरह के फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं। इस बार का 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल है और ये प्रख्यात फिल्मकार मृणाल सेन जी को हम लोग याद में कर रहे हैं, जिनका दिसंबर में निधन हो गया था। उनकी याद में उनकी फिल्म भुवन सोम कल दिखाई गई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिसमें लैंडलेस है जो पंजाब के भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उन पर बनी हुई है, परमाणु ऊर्जा महाठगनी ये फातिमा निजारुद्दीन की फिल्म है जो आई भी हुई हैं, जो परमाणु ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट्स के निरर्थकता और उन पर उठने वाले सवालों पर केंद्रित है। कल हम लोगों ने जो फिल्म दिखाई थी उसमें पवन श्रीवास्तव की हाशिए के लोग उनकी फिल्म थी, फीचर फिल्म थी, जिन्होंने चंदे या चंदा इकट्ठ करके क्राउड फंडिंग से ये फिल्म बनाई है। फिर इसके अलावा उत्तराखंड की जो लोक गायिका हैं कबूतरी देवी, उनकी ज़िंदगी पर बनी फिल्म अपनी धुन में कबूतरी वो दिखाई थी। भिखारी ठाकुर के साथ काम किए हुए उनके नाटकों तमाशा में काम करने वाले 4 कलाकारों की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म शिल्पा गुलाटी और
की फिल्म जो है और जनेन दोस्त की जो फिल्म बनी है नाच भिखारी नाच, वो कल दिखाई थी। आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है और दो पहला सत्र जो था वो बच्चों के लिए था, जिसमें इस्पानी कहानी पर बनी एक फिल्म थी फर्दिनांद, वो दिखाई गई। इसके बाद एक शार्ट फीचर फिल्म थी गुब्बारे, वो दिखाई गई है। इसके अलावा गोरखपुर के ही फिल्मकार वैभव शर्मा ने बाल मजदूरी पर एक फिल्म बनाई है आधा टिकट, वो दिखाई गई है। और गोरखपुर के ही एक युवा फिल्मकार विजय प्रकाश मौर, जिन्होंने कुशीनगर के तापसी कुशवाहा की जिंदगी पर, जिन्होंने अपने बूते 30 एकड़ क्षेत्र को हरा भरा बनाया था और कई किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया था अपने प्रयास से, और वो बहुत गुमनामी में उनकी मौत हुई, उन पर केंद्रित उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो इस तरह से जो हाशिए के लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुख दुख हैं, उन पर जो केंद्रित फिल्में हैं वो इस फिल्मों में प्रदर्शित हो रही हैं। 6 बाहर से फिल्मकार आए हुए हैं, पवन श्रीवास्तव, संजय मट्टू, साहेब सिंह इकबाल पंजाब से आए हुए हैं, मनिंदर सिंह भी पंजाब से आए हुए हैं, फातिमा निजारुद्दीन दिल्ली से आई हुई हैं, और अशफाक भी वो दिल्ली से आए हुए हैं, जिनकी फिल्म लिंच नेशन आज शाम को आखिरी फिल्म के तौर पर दिखाई जाएगी।